सो हेलो डे फैमिली, कैसे आप सब लोग? होप ठीक हो गए। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जब हम अपने केदारनाथ ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। और केदारनाथ ही नहीं, हो सकता है कि मैं अभी स्टार्टिंग में ही आपको कुछ और प्लेसेस पहले दिखा दूं और उसके बाद हम लोग जाएंगे केदारनाथ। तो निकलते हैं घर से, बाकी बातें आपसे बाइक पे चल के करते हैं। दोस्तों फाइनली रेडी हो चुका हूँ, बाइक पे मैंने सारा सामान कैरी कर लिया। एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हो हमारी बीच रेडी है। और इस बार ना सामान बहुत ज़्यादा हो गया, ये इतने सारे बैग हैं और हमारे शोल्डर पे भी बैग रहेगा एक बैग में। बाकी निकलते हैं घर से। दोस्तों घर से निकल चुके हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हर हर महादेव। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, गुड़गांव का जाम और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। अभी फटाफट से पहले बाइक का फ्यूल अप करा लेते हैं, फिर सीधा सीधा राजीव चौक से लेफ्ट। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं पहले विनायका सेल्स पे, क्योंकि उधर भी हमारे को छोटा सा कुछ सामान लेना था, तो लेते हुए निकलेंगे। वहाँ से वो उठाते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं और देखते हैं आज हरिद्वार में स्टे करेंगे या ऋषिकेश में। तो वो भी डिसाइडेड नहीं है, वहाँ चल के डिसाइड करेंगे। रहने का खैर सामान तो मेरे पास है ही, कैंप लिविंग में सब कुछ मैंने ले लिया इस बार, तो प्रॉपर तैयारी के साथ ही जा रहा हूँ इस बार। देखते हैं, हमारा ये ट्रिप मेरा मतलब पहला जो ट्रिप होगा सोलो होगा ये। मैंने इससे पहले कभी भी सोलो ट्रिप नहीं किया है, देखते हैं कैसा जाता है। बाकी मेरे पास टोटली ए टू जेड इक्विपमेंट है अभी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कराते हैं फ्यूल अप। एक तो पेट्रोल पंप वाले इतने कामचोर है ना, देख लो खाली है और उसके बावजूद एक भी बंदा नहीं आएगा। भाई हेलो, मन मर्जी के मालिक है, बताओ। ऑटो कट, ऑटो कट। तो 602 का पेट्रोल आया, बाकी बताओ लास्ट पॉइंट पे भी 400 के लगभग पड़ा ही था। तो दोस्तों फ्यूल अप हो चुका है हमारा, और अब जो हमारा स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है विनायका सेल्स, जो कि अपना शास्त्री नगर में पड़ता है। तो एक बार चलते हैं वहाँ पे, हमारे को एक कैन बहुत रहेगा बुटेन का, वो लेके चलना है ताकि आगे खाना बनाने में दिक्कत ना हो। फटाफट से पहुंचते हैं विनायका सेल्स। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं कंप्लीट जैकेट में, गर्मी तो लग रही है बट ठीक है, बाइक चलाते हैं तो थोड़ी सी हवा लगती रहती है। और मैंने जैकेट्स की जो चेन्स वगैरह है ना, ये ओपन कर रखी हैं, लाइक पॉकेट्स की चेन्स हो गई, तो ये सब मैंने कर रखी है ओपन, जिससे कि मुझे हवा लगती ही रहेगी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। बाकी हेलमेट के अंदर भी थोड़ी बहुत हवा तो आती है। दोस्तों यहाँ पर पता नहीं, आई थिंक कहीं पर आग लग चुकी है, काफ़ी ज़्यादा धुआं वगैरह हो रहा है यहाँ पर। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपना दिल्ली गुड़गांव वाला टोल, ये हमने क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से बचा है हमारा 24 किलोमीटर का रास्ता विनायका सेल्स के लिए।
कवर करते हैं फटाफट से। बाकी यार जाम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, दोपहर के टाइम जाम हालत बहुत ख़राब कर देता है। करते हैं कवर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ विनायका सेल्स पे और यहाँ पर अंकल जी मिले हैं और अभी हमें जो ये कैन चाहिए थी ये हमने परचेज कर ली है और अब फटाफट से निकलते हैं अपने टूर के लिए। तो दोस्तों विनायका सेल्स से जो हमने सिलेंडर लेना था वो मैंने ले लिया है, अब फटाफट से निकलते हैं आगे के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो दिल्ली का जाम। बाकी विनायका सेल्स हम हो आए हैं और बुटेन हमने ले ली है। जो बुटेन का बॉटल आता है वो आता है 250 ml का और उसका जो हमारे को प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 150। ठीक है, दो टाइम का खाना इससे बन जाता है एक बुटेन से, जैसा कि मुझे बताया गया। बाकी मैंने कभी यूज़ नहीं करा, जब यूज़ करेंगे देन तब पता लगेगा। मैंने अभी सिर्फ एक ही बोतल ले लिया है क्योंकि और की नीड होएगी नहीं आई थिंक। ये तो इमरजेंसी में जैसे कि हमारे को खाना नहीं मिलता तो वहाँ पर ही काम आती है। ऊपर देखो कैमरा भी लगा हुआ है पर तब भी लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे ही लगा रहे हैं। अब हमें पता नहीं, चलान भी आ सकता है। तो बाकी अंधेरा होने वाला है और मेरे हाथों में टांगों में आज दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है और बाइक में आई थिंक कुछ आवाज़ भी आ रही है। चलो वो तो चेक कर लेंगे हम, रुक के आगे यहाँ 2 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं उसके बाद चलेंगे आगे। तो दोस्तों अभी मैंने यूपी के टोल के बाद यहाँ पर ब्रेक लिया था और थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट कर लिया था, पानी भी लिया था क्योंकि जब से मैं चला हूँ तब से मैंने एक बार ही पानी पिया था। बाकी खाना वगैरह अब चल के ही खाएँगे। यहाँ से 2 घंटे दिखा रहा है अभी भी, हो सकता है आगे जाम हो। 131 किलोमीटर्स रह रहे हैं, प्रॉपर 131 है और टाइम जो ये बता रहा है मैप वो बता रहा है 9 बजे कि हम 9 बजे करेक्ट पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों टोल से निकल चुके हैं और 2 घंटे का रास्ता ये भी कवर करते हैं, देन कुछ खाएंगे फिर चल के। दोस्तों देख सकते हो रूड़की 44 हरिद्वार 72, बोर्ड पे आई थिंक आपको नज़र आया होगा नहीं आया होगा, हरिद्वार अभी भी 72 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है 8, 1 घंटा भी और दिखा रहा है, करेक्ट 9 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो कन्हैया शुद्ध ढाबा, यहाँ पर मैंने ब्रेक लिया और ये खड़ी अपनी बाइक, काफ़ी दूर खड़ी है। तो दोस्तों फाइनली एक छोटा सा खाने का ब्रेक ले लिया है क्योंकि मुझे लगता है देखो 9 तो बज जाएंगे हरिद्वार पहुँचते पहुँचते, 9 के 9:30 भी हो सकते हैं। बाकी धर्मशाला वगैरह या रूम वगैरह तो हम एडजस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं से। बाकी अपने पास कैंप भी है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो कैंप एक ऑप्शन है, बट खाने का कोई ऑप्शन वहाँ पर मिल नहीं पाएगा तो सोचा पहले खा लिया जाए देन उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा पनीर का परांठा जो हमने मंगाया था वो आ चुका है, देखो बाकी मैं हर बार खाने की वीडियो बनाना भूल जाता हूँ तो ये भी मैंने वैसे खाना स्टार्ट कर दिया था बट याद आ गया। तो खाते हैं फटाफट इसको और निकलते हैं आगे के लिए। जो 50 किलोमीटर्स बाकी रह गए हैं वो अभी फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली खाना खा के फिर से रेडी हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए, तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हो बोर्ड आ चुका है हरिद्वार कुंभ सिटी का, आई थिंक यहाँ से हरिद्वार स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये आ चुका है 3रा टोल, इसके बाद आगे टोल नहीं मिलेगा और वैसे भी अब रास्ता बच गया सिर्फ 20 किलोमीटर्स जो कि 20 मिनट्स बता रहा है। तो पहुँचते हैं फटाफट से, यहाँ रुके यानी अब
और सीधा वहाँ चल के ही रुकेंगे जहाँ पर शिव जी की मूर्ति है ना, ऊपर पुल से आपको व्यू दिखाऊंगा रात का गंगा रिवर का। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हरिद्वार, और साइड में ये देख सकते हो घाट है जो भी साथ साथ चल रहा है हमारे, और अब भी चलते हैं जहाँ पर शिव जी की मूर्ति लगी हुई है वहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ देर के लिए रुकेंगे। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ उस पुल के ऊपर जिस पुल से शिव जी की मूर्ति दिखती है, एंड गंगा का बहाव भी आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है रात का यहाँ का। और अभी आपको ना कुछ नया दिखाता हूँ यहाँ का जो कि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो ये व्यू देखो। तो दोस्तों कैसा लगा व्यू यहाँ का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अभी चलते हैं अपने लिए रूम ढूंढते हैं। तो दोस्तों प्लान थोड़ा सा चेंज हो रहा है और मेरा मन कर रहा है कि अब ऋषिकेश जाके ही रुकें, क्योंकि अगर मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ से निकलूँगा तो फिर जाम में मुझे फंसना पड़ेगा, इससे बेटर है कि डायरेक्टली ऋषिकेश पहुँचते हैं, वहीं देखते हैं कोई धर्मशाला रूम को जो मिलेगा वहीं स्टे कर लेंगे आज। और अब बढ़ते हैं ऋषिकेश की ओर, हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ ऋषिकेश की साइड, और वहाँ पर एक धर्मशाला है जो कि यहाँ से बता रही है 4 किलोमीटर के अराउंड, तो एक बार चलते हैं अगर उस धर्मशाला में स्टे का कुछ जुगाड़ हो पाता है तो वही रुकते हैं आज, और फिर कल प्रॉपर ऋषिकेश पहुँचेंगे। देख सकते हो ऋषिकेश यहाँ से 10 समथिंग है। तो दोस्तों जो धर्मशाला की लोकेशन है वो यहीं बता रहा है, चल के देखते हैं क्योंकि मुझे लगता नहीं यहाँ कुछ होगा, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है रास्ता। तो ये दिखा दी है, आई थिंक ये है। तो दोस्तों यहाँ के लोकल से पता किया, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी फंक्शन वगैरह के लिए धर्मशाला दी जाती है, स्टे के लिए नहीं है, और वो कह रहे हैं स्टे के लिए अगर आपको चाहिए देन आपको ऋषिकेश ही जाना पड़ेगा। तो निकलते हैं भाई ऋषिकेश, और तो कोई चांस है नहीं, मतलब और कोई चारा है नहीं, चलते हैं। तो बाकी ऋषिकेश यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया है, बाकी पब्लिक तो बहुत ज़्यादा बाहर है। ऋषिकेश वाली साइड वैसे पूरी रात रौनक लगी रहती है, बाकी जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे, बाकी प्लेसेस भी कवर करता हुआ मैं जाने वाला हूँ इस बार। अकेला हूँ तो एक फ्रीडम है कि मतलब किसी और के शेड्यूल के हिसाब से मुझे नहीं चलना पड़ेगा इस बार, इस बार मेरा जो शेड्यूल है मैं खुद डिसाइड करूँगा। ये गली यहाँ अंदर धर्मशाला बता रहे हैं, अग्रवाल धर्मशाला नाम से है, चल के देखते हैं। बाकी इनका समझ नहीं आती इन डॉग्स को नींद क्यों नहीं आती। यहाँ से राइट, थोड़ी सी आगे दिखा रहा है,
नेक्स्ट कट। तो दोस्तों फिर से वही बात, ये भी एक हॉल ही था धर्मशाला का। तो दोस्तों देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं श्री हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारा। तो देखते हैं अभी और कहीं अगर हमें रूम ना मिला देन फिर गुरुद्वारे में ही रुकेंगे आज। तो दोस्तों कोई और गेस्ट हाउस हमें नहीं मिला है तो हम रुके हुए हैं गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी जो कि ऋषिकेश में है। तो अभी फ़िलहाल रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, सामान हमारा सारा यहीं पर रखा है क्योंकि यहाँ के जो लोकल टाइप जगह बनी होती है वो भी फुल है, सब पे लॉक है और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं। मुझे यहाँ पर एक हॉल मिला है जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हो। तो ठीक है रेस्ट करते हैं और अभी वीडियो एडिट भी करनी है, देन उसके बाद नींद आ रही है, सोना भी है, थक गया आज बहुत ज़्यादा। ठीक है इस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पर नए हो तो। टिल देन टाटा बाय बाय।